हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, रिस्क मैनेज करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा लगाना क्यों ज़रूरी होता है। अभी मैं देखिए स्क्रीन को थोड़ा डार्क ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। कल मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे थी, इस ग्रीन कैंडल पे यहाँ पे क्लोजिंग थी कल मार्केट की। आज मार्केट जो ओपन हुआ वो यहाँ पे ओपन हुआ, इस रेड कैंडल के ऊपर यहाँ पे 44,520 के आसपास क्लोज हुआ। करीब 150 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ था। यहाँ से इसने नीचे को चलना शुरू किया। पूरा बेयरिश मार्केट था, सारे हमारे अमेरिका का मार्केट, चाइना का, सभी सारे मार्केट बेरेस थे। तो ये भी मार्केट बेरेस था, सारी बैंक बेरेस थी, HDFC, ICICI, सारे 1-1% के डाउन चल रहे थे। ये काफ़ी अच्छा है, इन लोगों ने पुट बनाया, काफ़ी अच्छा उनका प्रॉफिट चल रहा होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आते आते अगर जिन लोगों ने वहाँ ऊपर पुट खरीदा होगा, यहाँ पे आते आते उनका लगभग लगभग पैसा डबल हो गया होगा। डबल होने के बाद में अगर उन्होंने स्टॉप लॉस अपना नहीं ट्रेल किया होगा, तो फिर देखिए यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया। इसके बाद में एक ही कैंडल, ये 50 पॉइंट की एक ही कैंडल है, एक ही कैंडल में ये बुलिश हो गई और इसमें करीब 50 पॉइंट जो हमारे थे वो माइनस हो गए एक ही कैंडल में। देखिए अचानक से एक साथ कैसे मार्केट पूरा बुलिश हो गया। तो स्टॉप लॉस लगाना हमारा इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, जो लोग फुल टाइम ट्रेडर हैं वो तो बैठे होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपना जैसे बुलिश हुआ तो एक बार को निकाल देंगे, अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर देंगे। लेकिन अगर जो लोग थोड़ा सा इधर उधर चले गए कि चलो बेयरिश है मार्केट, जा रहे हैं थोड़ा सा, अभी कोई पानी पीने चला गया या कहीं वॉशरूम चला गया, कहीं भी चला गया, तो उनका तो पूरा पूरा ही उल्टा हो गया। जो भी कमाया धमाया वो सब यहाँ चला गया। ठीक है, तो ये इसलिए हमारा ना स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होता है कि अगर हम, अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है यहाँ पे सोचा होगा कि अब मार्केट नीचे जाएगा, तो यहाँ पे उन्होंने पुट बाय किया होगा। ठीक है, पुट बाय किया होगा अगर, तो उन्होंने स्टॉप लॉस कहाँ का लगाया होगा, उन्होंने लगभग यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया होगा इसका। तो अगर वो यहाँ का स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो देखो उनकी हालत क्या हो जाती, उनका तो पूरा कैपिटल ही गायब हो जाता आज। ठीक है, तो इसलिए हमारा स्टॉप लॉस लगाना मार्केट में बहुत ज़रूरी होता है और ये बहुत ही नेसेसरी है। आप कुछ सीखो ना सीखो, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना ज़रूर सीखो। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा आज थोड़ा एक वीडियो बना के डाल देता हूँ। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टॉप लॉस की क्या वैल्यू होती है, क्योंकि मार्केट कब कहाँ से मोड़ ले ले, देखिए कैसे कैसे घूम गया एकदम, ये वी बना दिया है ना इसने, पूरा घूम गया। यहाँ से आ रहा था नीचे नीचे पूरा, देखिए कैसे नीचे कितना फास्ट आया था, करीब ये 400-500 पॉइंट का डाउन था, ये 400-500 पॉइंट डाउन हो गया, फिर सीधा ये 300 पॉइंट ऊपर चला गया। ठीक है, तो इसीलिए मार्केट में स्टॉप लॉस की वैल्यू होती है, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको ही कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को मैनेज करना। आप अपने रिस्क को मैनेज करके चलिए। जिन्होंने रिस्क अगर यहाँ पे मान लो पुट खरीदा होगा, तो मार्केट उन्होंने सोचा होगा कि मार्केट नीचे जाएगा यहाँ से और ये मार्केट बुलिश हो गया, तो उन्होंने अगर मान लो 10,000 लगाया होगा, 10,000 का स्टॉक खरीदा होगा, कोई भी ऑप्शन खरीदा होगा, तो उसमें से अगर ये होते होते तो उनका 2-3 ही हज़ार बचेगा, 5-6 हज़ार, 7 हज़ार तो उनका ऐसे ही चला गया होगा। ठीक है, लेकिन अगर जिसने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा तो उसका 1,000 माइनस होते होते ही उसने अपना उसकी पोजीशन खुद से स्क्वायर अप कर दी होगी सिस्टम ने। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टॉप लॉस इसमें बहुत ज़रूरी होता है, अपना स्टॉप लॉस लगाइए। सबसे ज़रूरी है, मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, सबसे ज़रूरी है पैसे को बचा के रखना। अगर आपके पास पैसा है तो आज नहीं कल आपका दिन आएगा, कल नहीं परसों आएगा, आपका दिन जरूर आएगा। बस आपको मार्केट में टिके रहना है। आप अगर टिके रहेंगे मार्केट में तो आप एक ना एक दिन
आपका दिन आ ही जाएगा, ठीक है। और जो भी आप लॉसेस कर रहे हैं 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में, वो आपके लॉसेस ना 1 महीने में ना क्या 15 दिन ऐसे आएंगे कि आपके लॉस रिकवर होके वो पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो ठीक है, आपको घबराना नहीं है, और स्टॉक मार्केट में अगर आ रहे हो तो फिर आप हिम्मत करके आइए, ठीक है, कि आपका लॉस होगा, कम से कम 1-2 लाख रुपए आप ऐसा लेके आइए जिससे जिससे कि आपके बच्चों को, किसी को कोई मतलब ना हो, आपको उसमें से बच्चों की फीस नहीं जमा करनी हो, कुछ नहीं करना हो। आप ये सोच के आइए कि ये तो मैं कोई इंस्टीट्यूट में हम पढ़ने जाते हैं, एजुकेशन लेने जाते हैं, तो उसकी फीस जमा करते हैं, ठीक है। तो सोच के आइए कि मैं ये फीस जमा कर रहा हूँ और ये फीस है मेरी स्टॉक मार्केट की, ये देनी देनी है, बच गई भगवान जान भगवान के ऊपर है, नहीं बची तो भाई वो होना ही होना है। तो आप ऐसा कोई नहीं कर सकता कि आप पहले ही दिन से कमाने लग जाओ, ऐसा कोई कोई नहीं कर सकता, ठीक है। जितने भी एक्सपर्ट हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब ने पहले गवाया है फिर कमाया है, सीख के कमाया है, धक्के खा के कमाया है। आप भी समझते हो ना, कामयाबी कहीं भी ऐसे ही नहीं मिलती, आपको कहीं ना कुछ एजुकेशन पढ़ना पड़ता ही है, तभी आप कामयाब हो गए। ऐसे नहीं कि घर बैठे आप आराम से बैठे बैठे हो जाओ, आप कोई लॉस भी नहीं करोगे, मेहनत भी नहीं करोगे, कोई नॉलेज भी नहीं लोगे, बस आपने एक पोजीशन लगा दी, स्टॉक मार्केट जान गए कि स्टॉक मार्केट ये होता है, आ गए बस बैठ गए, तो आप गवा के चले जाओगे, आपके रोने वाले भी पैदा नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा समझ के, और कोई भी कुछ भी करने से पहले स्टॉक मार्केट में सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस लगाना सीखना है। स्टॉप लॉस लगाते कैसे हैं ये मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ओके दोस्तों, धन्यवाद।